भारतीयांमध्ये हायब्रिड इम्युनिटी असल्यामुळे त्यांना ओमायक्रॉनचा धोका कमी आहे अशी माहिती सीएसआयआरचे वैज्ञानिक आणि संचालक अनुराग अग्रवाल यांनी दिली आहे। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान दो तिहाई जनता को इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद से हमारी टीकाकरण की बहुत लंबी ड्राइव हुई, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे लोग इन्फेक्शन के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम हैं। लेकिन हाइब्रिड इम्यूनिटी भी अगर कोई बहुत ऐसा वेरियंट आता है जो इम्यून एस्केप करता है तो टूट सकती है। तो हिंदुस्तान बाकी देशों की अपेक्षा में ज़्यादा अच्छी जगह पे है, ज़्यादातर पॉपुलेशन की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी केवल वैक्सीन की इम्यूनिटी थी, जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये लोग ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनकी इम्यूनिटी अब डाउन हो रही है, तो हमें इस छोटा सा 1% के लगभग जो पॉपुलेशन है उसका स्पेशल ख्याल रखते हुए हमें अपनी मेन प्रायोरिटी तो खैर वही रखनी चाहिए, जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं उनको वैक्सीनेट करने का। दरम्यान हायब्रिड इम्युनिटी म्हणजे नेमकं काय आहे आपण बघूया। 3 प्रकारच्या इम्युनिटी असतात। थेट विषाणूची लागण झाल्यानंतर शरीरात तयार होणारी ती नॅचरल इम्युनिटी, लस दिल्यानंतर शरीरात तयार होणारी असते वॅक्सिन इम्युनिटी, आणि कोरोना होऊन गेलेल्या व्यक्तीला लस दिल्यानंतर त्याच्या शरीरात तयार होणारी इम्युनिटी म्हणजे हायब्रिड इम्युनिटी। भारतात 3 प्रकारच्या इम्युनिटी या अस्तित्वात आहेत। लोकसंख्येच्या मोठ्या हिश्याला कोरोनाची बाधा आधीच झालेली होती, दुसऱ्या लाटेनंतर मोठ्या प्रमाणावर मग लसीकरणाला सुरुवात झाली। लस मिळण्याआधीच काही जण कोरोना बाधित झाल्याचंही समोर आलं, त्यामुळे हायब्रिड इम्युनिटी ही सर्वात शक्तिशाली इम्युनिटी भारतीयांमध्ये। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।